राम राजन करी दंड। आपके आने से पूरी अयोध्या नगरी को आशीष प्राप्त हुआ, धन्य हो गए हम। राजन हम बहुत दुखी, इसीलिए तुम्हारे द्वार पर आए हैं। हम जब भी यज्ञ प्रारंभ करते हैं उसे पूरा होने से पहले असुर उसे विध्वंस कर देते हैं, हवन कुंड तहस नहस कर देते हैं। हम दुखी पीड़ित इसीलिए आपके पास आए हैं। हमें अपने दोनों पुत्र राम और लखन कुछ दिनों के लिए हमारे साथ कुटिया में ले जाने दी, इससे हमारी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी और इन राक्षसों का विनाश भी हो जाएगा, इससे आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। महाराज प्रभु आपके चरणों में मेरी विनती है। बहुत मुश्किल से बहुत कठिन यज्ञों से मैंने अपने पुत्र प्राप्त किए हैं और चौथे पन में मैं चल रहा हूं। कृपया मुझसे राम और लक्ष्मण मत मांगिए, आपके चरणों में मेरी विनती है। अगर आप आदेश करें मैं आपके साथ चलता हूं, मेरी समस्त सेना आपके साथ चलती है। राजन बुढ़ापा आ गया है जीवन में, फिर भी माया की भ्रमता है। हम तुम्हारे द्वार पर आए हैं कुछ इच्छा मांगने, क्योंकि कितने उलझन हमें राम और लखन देने के लिए इतने प्रसन्न। यदि हम भगवान विष्णु के पास गए होते तो वो भी हमारे साथ चल पड़ते, छोड़ वरुण वासन। यदि हम भगवान शंभु के पास गए होते तो कांप उठता उनका भी आसन। लेकिन तुमने इस ऋषि को बना दिया, हमारे साथ तुम्हारे दो पुत्र नहीं जाने दिए। ठीक है राजन, हम तुम्हारे पास जा रहे हैं दुखी होकर, और तुम भी दुखी होगे। एक बात याद रहे कि हमारा नाम विश्वामित्र है, विश्वामित्र। कठिन बहुत मुश्किल चीज मामले में यूनिवर्स बनाओ। हे राजन आप किसी प्रकार का संकोच ना करें और अपने दोनों पुत्र मुनि विश्वामित्र को सौंप दें। ये आपके दोनों पुत्र को विद्या में निपुण बना देंगे। दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र राम पुत्र लक्ष्मण आज से आप ही इन दोनों के पिता हैं। बहुत मुश्किल से दोनों पुत्र प्राप्त किए हैं, बहुत लाड़ प्यार से पाला है मैंने इन्हें। आप किसी भी प्रकार का संकोच न करें राजन। इनका हाथ मैं आपके हाथ में देता हूं। जीते रहो। प्रणाम गुरुदेव। जीते रहो। यहां से हमारी कुटिया की ओर दो मार्ग जाते हैं। एक मार्ग छोटा है परंतु नदी नाले बीहड़ और राक्षस निवास करते हैं, और दूसरा मार्ग सुरक्षित है परंतु थोड़ा लंबा। आप किस मार्ग से जाना चाहेंगे? हे गुरुदेव आप छोटे मार्ग से चलने की कृपा करें। कल्याण कल्याण आओ राजकुमारों। विश्वामित्र महामुनि राय इनके संग चले दो भाई। राम राम जय राजा राम। गुरुदेव
ये भयानक आवाजें क्या उन्हीं राक्षसों की हैं जिनका वर्णन आप कर रहे थे? हाँ पिता राम, ये वही तारका राक्षसी की आवाज जिसने पृथ्वी पे पाप मचा रखा, वो देखो चले जाओ किसी और आ रही। ने दिखाई सुनी ताड़ का क्रोध कर धाई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण। जी गुरुदेव। तुम्हारी युद्ध कला देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। पृथ्वी से तुमने बहुत बड़ा बोझ उठा दिया, इस तारका ने बहुत उत्पात मचा के रखा था। गुरुदेव, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। जी गुरुदेव। तब ऋषि निज नाथ ही जिए चिन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। जात लागना छुदा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। अतुलित बल रज तेज प्रकाश। देवी, क्या कुछ और जानना चाहती हैं आप? नहीं प्रभु, आप जो कहेंगे वो मैं सुन रही हूँ। देवी, हमें लगता है आपको निंद्रा आ रही है। निंद्रा? अभी तक तो मैंने अपनी पलकें भी नहीं झपकी है और आप निंद्रा की बात कर रहे हैं। किंतु स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है। बताइए देवी। इतनी अल्प आयु में श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को तारका जैसी भयानक राक्षसी से लड़वाना उचित नहीं प्रभु? वह तो बस अभी बालक है। देवी, शायद आप भूल गई हो कि श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो कोई साधारण बालक नहीं है। यह तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था स्वामी, अब आप आगे बताइए ना क्या होगा। देवी, हम आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं। इन वनों की शांति देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुमल घोष का है अभी भी जीवित हो। इन वनों में हर तरह का तुम्हल घोष के मार्ग में यह किस प्रकार की विपदा? क्या मृत्यु का भय नहीं?
मुझे शीघ्र ही देखना चाहिए। उत्तम, अति उत्तम, ये किसी प्राणी का शरीर है। साची तारका का, साची तारका, साची तारका, साची तारका, साची तारका, साची तारका नहीं रही, नहीं रही। सुनी मारी चिनी साचर त्रोही, ले सहाय धावा मुनि त्रोही। सुंदर, अति सुंदर। देखो ये कौन रो रहा है। जो आगे महाराज। अरे भैया तुम भी रो मेरे साथ। ये कौन रो रहा है पता ना हो। अरे तुम भी रो भैया। क्या हुआ तुम्हें लोश? महाराज चाची, चाची, चाची। क्या चाची चाची लगा रखी है? महाराज। क्या हुआ चाची को? वन में दो बालक आए हैं, जिन्होंने चाची तारका का वध कर दिया है महाराज। कर दिया? ये तुम बोल रहे हो या तुम्हारी मदिरा बोल रही है? ये सब मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, और चाची तारका का सब मैं अपने साथ लाया हूँ महाराज। सुना हमारी तुमने? सुना। देख के चलो हमें, किन लोगों ने वध किया है ये? आइए महाराज, आइए, चलिए, आइए महाराज, हमको तारका चाची का बदला लेना है। आइए महाराज। चाची कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। ओम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मक की रखवारी। आइए महाराज। आते आते जाइए महाराज। महाराज यही तो वो बालक है जिन्होंने तार का वध किया है महाराज। अच्छा यही वो दोनों बालक है, जाकर इनसे कह दो कि ये दोनों बालक इस मन को छोड़ दे। जो आज्ञा महाराज। ए बालको, शीघ्र ही ये वन छोड़कर
चले जाओ, अन्यथा मेरे स्वामी तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। यदि तुम्हारे स्वामी में साहस है तो उसे कहो कि हमसे आकर युद्ध कर। महाराज, वो दो राजकुमार तो युद्ध चाहते हैं। युद्ध चाहते हैं? युद्ध चाहते हैं? जी महाराज। ठीक है वीरो, जाओ उनके साथ जाकर युद्ध। तुम और तुम युद्ध करो। हमारे दो योद्धा मारे गए महाराज। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि ये वन छोड़ दो और अपनी जान को बचा लो। इस वन में जो तुम लोगों ने उत्पात मचाया है, हम तुम्हें उसी का दंड देने आए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम, राम जय राजा राम, राम 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 जय राजा राम, जय जय राम। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, तुम्हारी युद्ध कला को देखकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ। पुत्रो, तुम पर सदैव मेरा आशीर्वाद है। आज मुझे विश्वास हो गया है कि इस धरती पर पाप को मिटाने वाला आ चुका है। आओ पुत्र, आश्रम की ओर चलते हैं। आरी असुरे त्रिज निर्भय कारी अस्तुति करहि देव मुनि झारी।